वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरेश साहब ब्लॉग। और अब हम लोग जाएंगे आज आम तोड़ने, और गर्मी का सीज़न चल ही रहा है तो देखते हैं कितना आम मिलता है हमें। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और स्कूटी के साथ हैं और सभी लोग जा रहे हैं। मेरी बहन है और पीछे मेरा भाई और मैं, और हम लोग चले नदी के पास। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं आज, ठीक है। और आप लोग यहाँ का खूबसूरत है, और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नदी, और ये पीछे देख सकते हैं नदी है, ये है पारस नदी। और इधर से हम लोग पार करेंगे इसे और फिर उधर जाएंगे आम तोड़ने। आइए आपको नदी के दर्शन कराते हैं। दर्शन लोग आ रहे हैं और मैं पहले ही आगे आ चुका हूँ स्कूटी की वजह से, और कुछ लोग शायद आगे हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन है। और ढेर सारा इधर आम का पेड़ है, सकुआ का पेड़ है, और यहाँ पे खेत है, और देख सकते हैं इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ है, काफ़ी विशाल है। और मैं अपनी स्कूटी वहाँ छोड़ दिया हूँ, और ये घने जंगल में हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, और सब लोग निकल गए हैं आगे, तो चलते हैं दौड़ दौड़ के। इतना मीठा, बहुत मीठा है, काफी नीचे नीचे आम है, और ये सब पेड़ हमारे नहीं है। वाह, ये देख सकते हैं आम, ये सारे हैं पेड़ वैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक ही तरह का आम आपको नहीं मिलेगा खाने को, कोई ज़्यादा खट्टा, कोई ज़्यादा मीठा, कोई हल्का, और किसी किसी का स्वाद मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है, और पकने के बाद तो और डिफरेंट हो जाता है, और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो अभी तो पका नहीं है कुछ कुछ। आपको रुगड़ा जानते होंगे, अगर रुगड़ा जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे रुगड़ा भी मिल जाता है और उसे खाया जाता है, और यहाँ पे जंगल में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। आए थे आम तोड़ने और लिया कि जामुन तोड़ने। देख सकते हैं इसमें जामुन भी है, और जामुन का पेड़ बहुत है यहाँ पे, ये देखो ना इधर इधर नीचे नीचे है काला काला। देख सकते हैं नीचे नीचे काफी छोटे छोटे जामुन है।
इस जंगल में लगे आम के पेड़ों का अगर कोई मालिक है तो हमसे संपर्क जरूर करें। और मुझे लगता है कि आम के पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आम तो वैसे गिरे हुए हैं, लेकिन जो मतलब ठीक ठाक आम हमें शायद पेड़ पर ही मिलेगा, और हम लोग तो उठा भी ले रहे हैं कोई कोई, और कोई कोई ख़राब है तो ख़राब वाला तो हम लोग नहीं उठाएंगे। तो आम के पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों ऊपर चढ़ा था और काफ़ी आम तोड़े मैंने, देख सकते हो ऊपर, और पसीना बहुत हो गया यार, क्या करें, बहुत मेहनत किया, ऊपर चढ़ा पूरे डाल खुला आम तोड़ा, मेहनत तो था। अभी हम लोग रास्ते में हैं, प्रकाश भैया को चोट लगा है, अरे उनके पैर में कांटा लग गया, और वहाँ पे प्रकाश भैया हैं बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको कितना चोट लगे, और हमारी स्कूटी वहाँ पे रखी हुई है। चलिए अब पसीना अभी तक सूखा नहीं है, और हम लोग उधर गए थे नदी पार, और बस मेरा भाई स्कूटी लेके आगे चला गया पता नहीं। और यहाँ पे मिर्चा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मिर्चा का पौधा है छोटा छोटा, सब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लगाए हुए हैं, और दूर तक पूरा मिर्चा लगाए हुए हैं, और इनकम हो जाता है अच्छा खासा मिर्चे में भी। तो चलिए चलिए, नहीं भागो शाम हो गया। गांव का कल काफ़ी शाम हो गया था दोस्तों, तो और घर में लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया कल रात में, और अब दिखा दूँ, ये देखिए इतने ढेर सारे मैंने और सबने मिल के तोड़ा था, और हम इसका अचार बनाएंगे, और कल नेक्स्ट वीडियो में आपको एक है बेशरम उससे मिलवाऊंगा। तो गांव में ऐसे बहुत चीज़ें, तो तैयार रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब कर लो, और प्लस बगल में जो बेल आइकन है ना उसको दबाना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपना ख्याल रखना यार, अब फैमिली के मेंबर हो गए हो तो ख्याल रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए बने मारा।